प्रश्न है अरबों तथा तुर्कों का आक्रमण यानी मध्यकालीन भारत का युद्ध, जिसमें बाबर अकबर से पहले जो है भारत में कौन आए थे, तो अरबे लोग आए थे। ठीक है, तो अरब लोग आए हैं भारत में, तो उस पर आधारित क्वेश्चन, समय को नष्ट ना किया जाए, क्वेश्चन आया जाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी में फर्क होने के बावजूद सारे देश में एक मौलिक एकता वर्तमान रही। तो एकता वर्तमान क्या रही थी, भाषा, नस्ल, जाति या उपरोक्त सभी। इसमें क्या है, भाषा, नस्ल, जाति, उपरोक्त सभी थे। जब जब अरबियों लोग आए थे तो वो लोग सभी सभी भाषाएं, मतलब भाषा जो अलग अलग भाषा नस्ल के थे, अपना नस्ल और जाति का, मतलब कि अरब लोग का आने का तात्पर्य यह था कि सिर्फ भारत को लूटना और अपने जाति और नस्ल और वंशज को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर दो, राजपूत काल में प्राचीन काल से चली आ रही मौलिक एकता नष्ट हो गई, कारण है भारत में धर्म का प्रवेश था। तो बताइए कारण क्या हो सकता है, इस्लामी, ईसाई, यहूदी या जैन। तो आपको पता है अरब के जो लोग आए थे वो कौन थे, तो इस्लामी जाति के थे, तो एकता नष्ट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट किसके कारण, तो भारत में इस्लाम धर्म प्रवेश हुआ तो सब में एकता नष्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, एक धर्म के रूप में इस्लाम को भारतीय व्यवस्था का आत्मसात नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, तो आत्मसात क्या नहीं किया जाता है, तो एक जाति का, एक राजनीति का, एक संस्कृति का। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। वहाँ के लोग जो थे वो एक ही जाति, एक ही राजनीति और एक ही संस्कृति जाते थे। जाति कहा जाए तो इस्लामिक, संस्कृत कहा जाए उसका तो वो क्या था, इस्लाम धर्म कुरान, और राजनीति कहा जाए तो सिख देश को लूटना और उसके धन संपत्ति को लूट कर चले जाना। क्वेश्चन नंबर चार, इस्लाम धर्म के, इस्लाम के आगमन के समय से भारतीय इतिहास से इस युग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो अभी हम कहें, चैप्टर पढ़ने से पहले हम बताएं कि कौन सा पढ़ रहे हैं इतिहास, तो मध्यकाल भारत पढ़ रहे हैं, जैसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। और प्राचीन भारत उसे कहा जाता है जिसमें वंशज की स्थापना हो हुआ है, हड़प्पा सभ्यता, ये सब क्या हो जाता है, प्राचीन। आधुनिक क्या हो जाता है, जो 1857 से लेकर क्रांतिकारी से लेकर देश की आज़ादी तक, इसको आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच है, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले, आंसर देने से पहले आप उस पर टिक करें, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आंसर मिला लें। क्वेश्चन पास है, एशिया के तीन प्रमुख प्रायद्वीपों में अरब का प्रायद्वीप भी एक है, जहाँ के लोग जाति के हैं। तो वहाँ के लोग कौन जाति के थे, तो यूनानी, सेमेटिक, स्लाव या जर्मन। तो वो जो एशिया के तीन प्रमुख जो प्रायद्वीपीय है, वो अरब के प्रायद्वीपीय भी एक है। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्या होता है, जिसका तीर और पानी से घिरा हो और एक और जमीन पर, उसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। जहाँ के लोग का जाति क्या था, तो सेमेटिक जाति था, सेमेटिक जाति के थे। क्वेश्चन नंबर छः, इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व अरब के लोगों के जीविका का मुख्य साधन क्या था, लूटपाट, कृषि, व्यापार, उद्योग धंधा, या तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इस्लाम के जो लोग थे वो क्या करते थे, तो इस्लाम से पहले वो पूर्व, मतलब कि लूटपाट करने से पहले वो क्या थे, तो वो एक तरीका का पशुपालन करते थे। जो अरब से लोग आए थे वो क्या करते थे, एक तरह से पशुपालन करते थे, उसके बाद वो लूटपाट का व्यापार आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर सात, अरब कबीलों के प्रधान को क्या कहते, मतलब कि जो कबीला का जो प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था, सरदार, शेख, जागीरदार या सामान। आपको पता है डाकू को सरदार कहा जाता है, तो ये मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म को क्या कहा जाता है, तो शेख कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेख। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आठ बोला है, अरब कबीलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति विद्वान थी, मतलब इसमें से कौन सा स्थिति जो है वो सही थी। तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट, राष्ट्रीय अरबों के लिए एक विदेशी अभिव्यक्त करना कभी नहीं, ये तो हमेशा नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय अरबों के लिए एक विदेशी अभिव्यक्ति करना, कभी भी अरब के लोग को एक विदेशी अभिव्यक्ति नहीं कहा गया है, क्योंकि विदेशी व्यक्ति वह होते हैं जो नियम कानून से आते हैं, उसे विदेशी कहते हैं। बाल विवाह या बहुविवाह की प्रथा का प्रचलित ये भी कभी नहीं किया। किसी की हत्या कर देना उनके लिए सहज था, तो
ये भी था और ये भी है और ये भी है, यानी कह सकते हैं इसका आंसर जो है वो उपरोक्त चारों हो सकता है ना। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ये क्या होगा, उपरोक्त सभी है ना, क्योंकि राष्ट्रीयता जो है अरबों के लिए एक विदेशी अभिव्यक्ति थी। तो देखो अभिव्यक्ति यानी कि एक अभिव्यक्ति थी, तो अभिव्यक्ति थी। अब बाल विवाह बहुविवाह प्रथाएं भी वही लगाया, ठीक है, ये इसका आंसर सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, इस्लाम के अयोध्या के पूर्व क्या थे, तो इस्लाम के धर्म अयोध्या के पूर्व अरब के बहुवादी एवं पाषाण पूजक थे, ये भी सही है ना, वो लोग क्या थे, तो एक पूजा भी करते थे, और अरब के लोग बलि की प्रथा प्रचलित थी, ये भी बात सही है, वो लोग मार काट के खाते थे, उनके बीच धार्मिक एकता बिल्कुल नहीं थी, ये बात गलत है, उनके बीच में धार्मिक एकता बिल्कुल नहीं थी, इसमें बात कह रहा है नहीं थी, यही बात सही है, वो कभी धार्मिक एक ही धर्म को लेकर चलते थे, इस्लाम धर्म, ये भी बात सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, अरबों के इस अंधकर्मय युग में विकास का कठिन ही नहीं असंभव भी था, शिक्षा साहित्य का, कला कौशल का, संस्कृत का, तो अरब लोग आए, शिक्षा भी साहित्य था, कला कौशल भी था और संस्कृत था, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि अरब लोग ही आज भी जो भी हम देख रहे हैं आसपास जितनी भी चीज़, वो अरबों का ही देन है जो हम लोग को दिखाया है, सिखाया है, ठीक है। में इस्लाम का जन्म और उसका विस्तार विश्व इतिहास का आकस्मिक है किंतु आश्चर्यजनक घटना समझा जाता है, तो कौन सा, तो अभी हम बता रहे कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जापान, ईरान, इराक या अरब, तो आपको बताए हैं कल पर क्या पढ़ रहे हैं, अरब पढ़ रहे हैं, तो अरबों का आगमन, इसमें क्या होगा, अरब में इस्लाम का जन्म को उसका विस्तार विश्व का आकस्मिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म अरब का मक्का शहर में हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका आंसर है 570 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद जाति के थे, इसका प्रभुत्व तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था से ऊपर था, तो अभी बताएं हजरत जो थे वे कौन सी जाति के थे, तो कुरैशी जाति के थे, क्योंकि हम लोग इस्लाम पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कुरैशी जाति, और तीनों जो प्रायद्वीपियों से घिरे रहते जो स्थल होते थे वो सेमिटिक जाति के होते थे, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में जिस नए धर्म की स्थापना की थी कि उसे संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन देख दिया जाए कौन सी संज्ञा दी जाती है, ईसाई, यहूदी, इस्लाम या जैन, तो इसका आंसर हम पता है क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अरबों का आक्रमण, अरब कौन जाति के थे, इस्लाम का। मक्का के स्वार्थी कुरैशी ने इस्लाम का ज़बरदस्त विरोध किया जिसके कारण महमूद को में शरण लेना पड़ा, तो फ्रांस का या मदीना का, ईरान का या रोम का, आंसर क्या हो जाएगा, तो मदीना का, ठीक है, मदीना का, देखो मक्का मदीना ऐसे याद हो जाएगा, ऑप्शन से क्वेश्चन को रिलेट, आंसर को रिलेट कीजिए। मक्का से मदीना जाने की घटना इस्लाम के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है, क्योंकि उसी वर्ष इस्लाम के हिजरी सावत का प्रारंभ हुआ था, तो मक्का मदीना जो है हिजरी सावत का हुआ था, तो ये कब हुआ था, ये ऑप्शन में पूछ रहा है, तो 622 में, कितना 622 में, देखो याद करने के लिए कैसे, मक्का मदीना, देखो मक्का का जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी देखो 22 जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखिए का जो है दो बार रिपीट हो रहा है, 22 भी दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 1922 याद करने का तरीका है, न्यूमोनिक बना के याद कर सकते हैं। पैगंबर महमूद की मृत्यु ईस्वी में हुई थी, तो पैगंबर महमूद की मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, 1632 में हुई, मतलब 632 में हुई थी, याद करिए कैसे, तो पैगंबर महमूद, तो देखिए पे करेंगे तो कितना पे करेंगे उसको, पैगंबर यानी तो कितना, 3200 रुपये, कितना है, 3200 रुपये महमूद को देना पड़ेगा, क्योंकि वो बकाया था, मरने समय
पैगंबर महमूद मृत्यु के समय 32 रुपये बकाया था जो उसे देना होगा। ठीक है, याद कर सकते हैं नमोनिक बना के। महमूद साहब के उपदेशों का संग्रह में किया गया है बाइबल, वेद, कुरान या गीता। तो हम स्टार्टिंग जब वीडियो स्टार्टिंग हुआ था उसी समय बताया था ये लोग क्या पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। ठीक है, मोहम्मद साहब लोग क्या पढ़ते थे, कुरान। कौन से जाति के थे, तो इस्लाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का पहला अभियान ईस्वी के बीच हुआ जो अनेक कठिनाइयों से चलते असफल रहा। जो आपको पता है अरब के लोग बहुत बार आक्रमण किए भारत पर लेकिन असफल रहे, वो लूट लेते थे चले जाते थे। 636 से लेकर 637 तक। तो याद कैसे रखिएगा, तो अरबों का भारत पर आक्रमण करने का पहला अभियान बीच कठिनाई था। तो देखो 36 था, 36 से जब 37 में पहुंचे तो कठिनाई हुआ। क्यों कठिनाई हुआ, क्योंकि 6 जो है देखिए 63 ठीक था, 6 और 3 9 होता है, यहाँ भी 6 और 3 9 होता है, लेकिन 9 के बाद हमें 10 जाना चाहिए था, लेकिन 6 के बाद हम लोग कहाँ चले गए, तो 7 चले गए। ठीक है, देखिए आगे 6 पीछे 6, यहाँ आगे 6, 6 के बाद क्या आता है, तो 7 आता है। इस तरीका से याद रखिएगा, पहले जो था 6 आना चाहिए था लेकिन कठिनाई हुई, जो आक्रमण हुआ पहला अभियान, 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, इसीलिए 636 से 637। अपना अपना तरीका है याद करने का निमोनिक। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भारत पर अरबों का दूसरा आक्रमण जो है जिसमें मकरान तथा सिस्तान के क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया, मतलब कि भारत पर जब आक्रमण किया तो मकरान तथा सिस्तान के क्षेत्रों पर उनका आक्रमण हो गया। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 643 से 644, 643 से 644, 6 4 10 3 13, 6 4 10 4 14, 13 के बाद क्या आता है, 14, लेकिन 6 और 4 10 3 13, इधर 13 हुआ तो जोड़िएगा तो 14 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, सिंध पर अरबों के आक्रमण महत्वपूर्ण कारण थे। तो जब वो सिंध पर आक्रमण किया तो एक महत्वपूर्ण कारण था, तो महत्वपूर्ण कारण कौन कौन से थे तो उस पर चर्चा किया जाए, तो भारत पर अपार धन वैभव लूटना, इस्लाम के साम्राज्य को सीमा को विस्तार, और इस भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार। वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैंने कहा था कि अरब लोग आए थे धर्म को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो आपको पता है जब ये धन लूट के जा रहे थे भारत से, तो जट लोग जो हैं इससे कुछ धन छीन लेते हैं, जिसके कारण से अरब लोग गुस्सा होकर भारत पर आक्रमण करने का विचार करते हैं, क्योंकि उस पर जो धन लूटा गया था वो किसका था, तो अरबों का था, जिसमें से जट लोग छीन लेते थे। तो इसी पर गुस्सा हुए थे अरब के लोग, तभी अरब का आगमन हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 22, अरबों का तीसरा आक्रमण भारत पर ईस्वी में हुआ जो सिंध के शासक दाहिर, सिंध के शासक कौन थे, दाहिर पर आक्रमण किया गया जो पराजय हुआ, तो ये कब हुआ। कहा जाता है भारत का जो मध्यकालीन भारत है यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 712 ईस्वी में। देखिए 7 8 2 10, यानी 7 3 10, यानी 712 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंध पर आक्रमण के समय अरबों के सेनापति कौन थे। तो जब भी सिंध पर आक्रमण हुआ तो उस समय अरबों के सेनापति कौन थे, तो मोहम्मद बिन कासिम, इनका नाम सुने होंगे आप लोग। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो कहाँ के थे, तो अरब के थे, जिन्होंने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इन्हें अरबों का मतलब कि क्या, इन्हें अरबों का जो सेनापति थे वही थे, यही युद्ध का आरंभ किए थे भारत में। क्वेश्चन नंबर 24, सिंध पर अरबों का विजय के क्या कारण थे। तो सिंध पर अरबों का विजय क्या कारण था, तो अव्यवस्थित राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। ठीक है, ये भी बात सही है। दूसरा, दाहिर की दुबलताएँ, ये भी सही है। अरब सेना की श्रेष्ठताएँ, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, अव्यवस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति हुई, दाहिर की दुर्लभताएँ, दाहिर एक कमज़ोर राजा था और अरब सेना की श्रेष्ठता दिखाने के लिए ये इतना लड़ाई लड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बोला गया सिंह विजय भारत तथा इस्लाम के इतिहास में एक
फलिहन विजय थी, इसका कथन था। ये बात किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? तो लेन पूल ने कहा। किसने कहा था? तो लेन पूल ने कहा था। क्या कहा था? कि सिंध पर भारत का इस्लाम इतिहास का फलिहन होगा। फलिहन होगा तो कहाँ होगा? लेन पूल पर। याद रखो, फल जो है वह हानिहीन हो जाता है, हीन यानी ख़राब हो जाता है। कहाँ पर? अगर आप पूल पर उगाते हैं तो फल जो है हीन हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। निमोनिक याद करके रखिए, फल जो है हीन हो जाता है, हीन यानी हानि, ख़राब हो जाता है। कहाँ पर? पूल पर उगाइएगा तो फल टूटकर ख़राब हो जाएंगे, गिर जाएंगे, इसीलिए लेन पूल याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26, प्रोफेसर एस आर के शब्दों में, अरबों ने भारत पर जितनी बार लूटे उनमें से सबसे बड़ी लूट भारतीय की थी, भारत की थी, तो भारत से सबसे ज़्यादा क्या लूट के जाते थे? तो आपको पता होगा भारत से क्या लूट के गए, सोना, धन सम्पदा, तो चांदी। नहीं, ये सब कुछ नहीं, आपको पता है भारत में ज्ञान की गंगा बहती है, तो वो क्या लूट के गए भारत से? तो हमारा संस्कृति लूट के गए, जीना लूट के गए, किस तरीका से हम लोग जीते हैं, प्रेम भाव मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि खलीफा मंसूर के समय बगदाद के प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष ग्रंथ तथा खंड साधक का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था, तो वो अरबी भाषा क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म सिद्धांत। वो कौन था? तो ब्रह्म सिद्धांत भाषा में किया गया था। तो याद रखो, ज्योति जो है वो ग्रंथ पढ़ रही थी, तो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कौन हुए? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का सिद्धांत, ठीक है। ज्योति जो है ग्रंथ पढ़ रही थी तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए, तो वो कह दिए सिद्धांत दिए लेने का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सुबुद्दीन की सेना ने अफगानिस्तान के स्थित कुर्रम घाटी में हिंदुओं की संबंधित सेना को पराजित किया, और इस संबंधित सेना में जयपाल को सहयोग दिया। जयपाल को क्या किया? जयपाल ने सहयोग दिया था, ठीक है, जयपाल को सहयोग दिया था। तो कन्नौज का प्रतिहार, चौहल का या चंदेल का, तो ये कौन सी लड़ाई थी वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 28 में। तो कन्नौज की लड़ाई थी चंपाल का, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्नौज के प्रतिहार, चौहान और चंदेल, ये सभी लड़ाई हुआ था जिसमें जयपाल ने सहयोग दिया, रुक सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था? तो सुबुद्दीन था। कहा जाता है महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुद्दीन है। आपको पता होगा महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनवी का जन्म ईसा वर्ष में हुआ था। तो महमूद गजनवी का जन्म कौन से ईसा वर्ष में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा तो 971 में। कैसे याद रखिएगा? तो 9, 1, 10, 7, 17, नहीं तो देखिए याद कीजिए इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 9 उसका पिताजी है ना, 971, देखिए 9 भैया दोनों को जोड़िए 8, 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, लेकिन 8 आया यानी सुबुद्दीन का बेटा कौन था, तो महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 31, सुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में बड़े शान शौकत से महमूद गजनवी ने गद्दी पर अरूढ़ हुआ यानी बैठ गया, तो कब बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा 998। तो याद रखिए 9 कितना होता है 18 का पीछे लगा लीजिए 8 लीजिए। सुबुद्दीन का बेटा यानी महमूद गजनवी कब बैठा गद्दी पर, अरूढ़ हो गया यानी 998। बस क्वेश्चन इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का टारगेट था, और अगले क्वेश्चन के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि राज्यारोपण के समय महमूद गजनवी की उम्र 27 वर्ष की और उसके साम्राज्य में और खुराशान में सम्मिलित थे, तो बताइएगा उसके साम्राज्य और खुराशान में कौन कौन से सम्मिलित थे। ऑप्शन है फ्रांस, रोम, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान। आप बताइएगा फ्रांस है कि रोम है कि अफगानिस्तान है कि कजाकिस्तान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बस कुछ मत कीजिए, बस एक लाइक खाली कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लाइक कीजिए, हमें बस मोटिवेशनल मिलता है और कुछ नहीं।